उसकी वजह से हमें कलर दिखते हैं, ना कि कॉर्निया की वजह से। कॉर्निया क्या है? एक तो व्हाइट वाला पार्ट है, वो व्हाइट वाला पार्ट क्या है हमारा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो एसेसरी ऑर्गन्स थे आई के, जैसे कि आईब्रो, आईलिड, आईलैशेस, कंजक्टिवा, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो कि आईबॉल को रोटेट करने में हेल्प कर रही थी, ठीक है, इन सब का अच्छे से हमने डिटेल में स्टडी करा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो मेन है आईबॉल, आँख के अंदर मेन पार्ट जो है आईबॉल, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे आईबॉल पर। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारी आई, ठीक है, आई जो हमें सामने से दिख रही है, जैसे कि आईब्रो हैं, आईलिड्स हैं, आईलैशेस हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है हमारा? आईबॉल का, ये हमें फ्रंट से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का जो पूरा एरिया है कि भाई ये कितनी लेयर्स से मिलकर बना होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने आउटर सब चीज़ हमने पढ़ ली है, मेन पार्ट हमारा है आईबॉल। अब आईबॉल के अंदर क्या क्या चीज़ है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आईबॉल क्या है। ये जो पूरा पार्ट है जो आईबॉल हमारी ऑर्बिटल कैविटी में, ठीक है, सिचुएटेड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आई बॉल है उसकी शेप क्या है? स्फेरिकल शेप होती है, मतलब पूरी स्फेरिकल नहीं होती पर स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। जो हमारी ऑर्बिटल कैविटी है जिसमें कि ये हमारी आँख स्थित है, उस पूरी ऑर्बिटल जो कैविटी है उसकी होती है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करा है, तो उसमें से हमारी आई कितने में है? 2.5 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई वॉल। जो हमारी आई वॉल है उसकी भी वॉल, मतलब उसकी भी दीवारें, उसकी भी परतें के बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी जो लेयर हैं वो तीन लेयर हैं। ज़्यादातर जो भी हम ऑर्गन पढ़ते हैं, जो भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसकी जो परत, उसकी जो लेयर्स होती हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। उनकी लेयर्स में फिर उनके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके क्या फंक्शन है वो पढ़ते हैं। तो जो हमारी आई बॉल है, ठीक है, उसकी तीन लेयर्स होती हैं। तीन कौन सी? सबसे बाहरी एक्सटर्नल, फिर मिडल बीच वाली, और फिर सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक। तो सबसे जो एक्सटर्नल लेयर है, जो बाहरी लेयर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका मतलब होता है कवरिंग, किसी भी चीज़ की कवरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। फाइब्रोसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो फाइबर से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया? ट्यूनिका फाइब्रोसा, ठीक। ये है हमारी जो एक्सटर्नल लेयर है उसका नाम है। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? उसके अंदर है स्कैलरा और कॉर्निया। इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, स्कैलरा के बारे में अलग, कॉर्निया के बारे में अलग। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमारी जो आई बॉल है उसकी तीन परत होती है, एक्सटर्नल लेयर उसको हमने ट्यूनिका फाइब्रोसा बोल दिया, उसमें हमारे दो पार्ट्स आते हैं, स्कैलरा और कॉर्निया। फिर आ जाते हैं मिडल लेयर, जो बीच वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ही ब्लड सप्लाई पाई जाती है, बाकी जो ये दो लेयर्स हैं इनमें ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है। तो जो भी न्यूट्रिशन का काम है वो मिडल वाली लेयर देती है, ठीक है। तो मिडल वाली लेयर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? कोरोइड, सीलरी बॉडी और आयरिस। नेक्स्ट आ जाते हैं इनर लेयर। इनर लेयर को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका नर्वोसा। इसमें नर्व्स भी पाई जाती हैं, इसीलिए उसका क्या नाम है? ट्यूनिका नर्वोसा, जिसमें कि पार्ट आ जाता है हमारा रेटिना, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या हैं? पार्ट्स हैं। अब इनको स्टडी कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए क्या क्या है। तो ये हमारी आई, इसमें हमने ये पढ़ लिया, हमारी ये आईब्रोज है, ये आईलिड है, ये आईलैशेस है, ठीक है। अब इस वाले में ही देखते हैं कि हमारा क्या क्या पार्ट है। ये जो वाइट वाला हमारा पार्ट दिख रहा है ये क्या है? हमारा स्कैलरा। हमारा स्कैलरा है वो क्या है? आउटर लेयर। अभी हमने पढ़ा जो हमारी एक्सटर्नल लेयर थी उसका पहला पार्ट क्या है? हमारा स्कैलरा।
तो आउटर लेयर क्या हो गई हमारी, स्कैलरा, ठीक है, स्कैलरा। ये जो वन ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, स्कैलरा, ये। अब इससे आगे का ये जो पार्ट है, ये 1/6 पार्ट, ये मान लो एक पूरा सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा एक सर्कल है। इसके जो आगे वाला ये पार्ट है, ये इतना पार्ट क्या है, कॉर्निया, और बाकी का जो पीछे का पार्ट है वो है स्कैलरा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, कॉर्निया है, तो ये एक्सटर्नल लेयर ही ना, चाहे वो आधी आधी, जो ये वाला पार्ट 5/6 पार्ट किसका है, स्कैलरा से मिलकर बना है, और 1/6 पार्ट किससे मिल रहा है हमारा, कॉर्निया से मिलकर बना है, ठीक है। तो हमारे एक्सटर्नल पार्ट क्लियर हुए, एक्सटर्नल जो लेयर है उसमें हमारा स्कैलरा और कॉर्निया। स्कैलरा हमारा क्या है, 1/6 पार्ट, जो पीछे का पार्ट है वो हमारा स्कैलरा है, और जो आगे वाला पार्ट है, जो बल्जिंग पार्ट है, उसको हमने क्या बोल दिया है, कॉर्निया। अब आ जाते हैं मिडिल वाली लेयर, ठीक है, ये जो बीच वाली लेयर है, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है, इसको हमने क्या बोल दिया है, कोरोइड। कोरोइड कैसी है, वेस्कुलर लेयर है, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो कि ये जो स्कैलरा और ये रेटाइना, इन दोनों को क्या करती है, ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो इसके ही, इसके साथ साथ क्या क्या है, कोरोइड है, सीलरी बॉडी है, और आइरिस है, ठीक है। देखिए ये है, ये जो 5/6, ये जो पूरा एक सर्कल है, ठीक है, इसका पूरा पीछे का पार्ट क्या है हमारा, स्कैलरा कहलाता है, लेकिन ये आगे वाला पार्ट जो उभर रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, कॉर्निया। तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सटर्नल या आउटर लेयर। अब इसके नीचे आ जाते हैं कोरोइड। कोरोइड क्या है हमारी, मिडिल लेयर है। कैसी है, वेस्कुलर, जिसमें कि ब्लड सप्लाई पाई जाती है। यही जो कोरोइड है, ये स्कैलरा और रेटाइना, इन दोनों लेयर्स को सप्लाई पहुंचाने का काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। अब इसमें क्या है, देखिए ये इस तरीके से है, ठीक है, ये इसकी आगे ऊपर वाली कौन सी है, स्कैलरा, स्कैलरा के आगे क्या आ गया, ये कॉर्निया, ठीक है। अब ये क्या है, ये मसल्स इस तरीके से है, ठीक है, ये मुड़ रही है किसमें, ये है सीलेरी बॉडी। सीलेरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट्स, धागेनुमा संरचना है, जिससे कि ये लेंस अटैच है यहाँ पर, ठीक है। अब यही आगे जाके फिर से मुड़ रही है, कौन सी लेयर है ये हमारी, कोरोइड वाली, मिडिल वाली लेयर, सबसे पहले आगे जाके बढ़ी, तो उसको क्या बोल दिया हमने, सीलेरी बॉडी, ठीक है, क्यों, उस पर क्या हुआ, लेंस अटैच हुआ जाके। फिर आगे जाके मुड़ी तो हमने क्या बोल दिया इसको, आइरिस, ठीक है, आइरिस के ये जो बीच वाली एरिया है, इसको हमने क्या बोल दिया, प्यूपिल, ठीक। अभी देखिए इसमें, तो सबसे पहले हमें कोरोइड पता चल गई, कोरोइड क्या है, मिडिल लेयर है, फिर उसके बाद सीलेरी बॉडी, उससे आगे जो निकल रही हैं ये क्या है, सीलेरी बॉडी, ठीक है, फिर आइरिस, आइरिस क्या है, इससे आगे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, आइरिस हमारा। नेक्स्ट इनर लेयर, मतलब इनर मोस्ट जो लेयर है, ट्यूनिका नर्वोसा, नर्व से मिलकर बनी है, कौन सा पार्ट है, रेटाइना, ये जो इनर वाली लेयर है, ये दिख रही है आपको, ये इनर मोस्ट लेयर कौन सी है हमारी, रेटाइना, जहाँ पर जाके इमेज बनती है, ठीक। यहाँ से इमेज गई, ये मान लीजिए पैरेलल राइट लेज, जो लाइट की रेज हैं, किरणें हैं, वो गई, सबसे पहले कहाँ टकराएंगी, ये कॉर्निया पे, कॉर्निया क्या करेगा, इनको कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज कैसे, लाइट हम ऐसे देख रहे हैं तो ये लेंस तक पहुँचाने का काम करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या कर रही हैं, इसको कन्वर्ज कर रही हैं लाइट को, फिर जाके इमेज कहाँ बनेगी, रेटाइना पर, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी सिर्फ आप इतने समझिए कि हमारी जो आई बॉल है उसकी तीन लेयर्स होती हैं, तीन लेयर्स में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो स्कैलरा और कॉर्निया है, उसके बाद मिडिल वाले में हमारी कोरोइड और सीलेरी बॉडी और आइरिस, तीन पार्ट्स हैं, और जो इनर लेयर है उसमें रेटाइना है, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा स्कैलरा। स्कैलरा क्या है, आउटर पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आई बॉल, जो हमारी आई बॉल है उसका 6 में से 5th पार्ट, मतलब ये पूरा पार्ट पीछे का, ये वाला पूरा हिस्सा आई बॉल का, ये क्या कहलाएगा, एक तो आउटर बाहर की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, ठीक है, 5/6 जो एरिया है आई बॉल का, वो क्या कहलाएगा, स्कैलरा कहलाएगा, क्लियर है।
ठीक है, व्हाइट इन कलर का होता है, जैसे कि आपको आईज में दिख रही है, ये क्या है हमारी आयरिस, आयरिस में ये जो हमारा व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सबकी आंख में जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कैलरा। सामने से व्यू हमें ऐसे दिख रहा है और ये हमारा क्या है, लेटरल व्यू है। ठीक, तो जो सामने से व्हाइट वाला पोर्शन है हमारे आंखों के बीच का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कैलरा। क्लियर हुआ, ये हमारा व्हाइट कलर का होता है, सबका ही व्हाइट कलर में होता है। ये क्या कराता है, प्रोवाइड शेप टू द आई, हमारी आंख को शेप प्रोवाइड कराता है, और क्या प्रोवाइड कराता है, अटैचमेंट साइड टू द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, जिससे कि इससे क्या होती है, अटैच होती है हमारी जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं वो इससे अटैच होती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स क्या होती हैं, जो हमारी आई बॉल को ऊपर नीचे साइड इधर मतलब चारों तरफ घुमाने का काम जो करती हैं, उनको हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स बोलते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं वो भी इससे ही अटैच रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्कैलरा वीकेस्ट एट पोस्टीरियर, जो स्कैलरा है ये वाला, ठीक है, ये कहाँ जाके वीक होगा, यहाँ पोस्टीरियर पोल पे। क्यों होगा पोस्टीरियर पोल पे, बिकॉज ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट हेयर, जो ऑप्टिक नर्व है जिसकी वजह से हमें विजन होता है, दिखाई देता है, जो नर्व्स को ले जाती है ब्रेन तक, ब्रेन से लेकर आती है, ठीक है, जिसकी वजह से। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये ले जा रही है ऑप्टिक नर्व ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है आउटर जो हमारी ये है स्कैलरा वाला पार्ट है, ये यहाँ पे वीक होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, इसलिए। क्लियर हुआ आपको कि क्या है स्कैलरा, स्कैलरा हमारा सबसे आउटर वाला पार्ट है, 5/6 पार्ट है। ठीक है, क्या करता है, आई को शेप मेंटेन करवाता है, कि एक आई उस स्फेरिकल शेप में मेंटेन रह सके, वो किसकी वजह से होता है, स्कैलरा की वजह से। नेक्स्ट है कॉर्निया, ये वाला पूरा आउटर जो एरिया है, ये वाला, ये क्या था हमारा, स्कैलरा। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, कॉर्निया, ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट क्या कहला रहा है हमारा, कॉर्निया। ठीक, तो कॉर्निया क्या है, आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल, आई बॉल की ही आउटर लेयर है। ठीक, कैसा है, एंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ द आई बॉल, आगे की तरफ है ना, पीछे वाले पार्ट को हमने क्या बोला, स्कैलरा, और आगे वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया। ठीक, ट्रांसपेरेंट होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होती है। अब आप कह रहे होंगे भाई ये तो कलर दिख रहा है आपको, ये जो कलर दिख रहा है ये आपको आयरिस की वजह से दिख रहा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये जो आयरिस वाला पार्ट है इसकी वजह से हमें कलर दिख रहा है, जैसा हमें ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ये जो आँख के अंदर हमें कलर्स दिखते हैं वो आयरिस की वजह से दिखते हैं। ठीक है, इसमें आया भी हुआ है, देखिए, अपीयर्ड कलर ड्यू टू आयरिस, जो आयरिस पार्ट है उसकी वजह से हमें कलर दिखते हैं, ना कि कॉर्निया की वजह से। कॉर्निया क्या है, आगे वाला पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है, बीनीथ इट ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ये अलग अलग कलर्स का हमें दिखता है। ठीक है, किसकी वजह से, आयरिस की वजह से। आयरिस अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं और क्लियर से बताऊंगी। नेक्स्ट है कॉर्निया क्या है, इसे कर्वेचर ऐसा है, ये बल्ज कर्व बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे मान लो ये हमारी स्कैलरा, ठीक है, स्कैलरा के बाद ये इस तरीके से ये कर्व बना के होता है कॉर्निया, ये कर्व बना हुआ है, इसी को हमने क्या बोल दिया, कर्वेचर। कैसा है, कॉनवेक्स है, कॉनवेक्स क्यों है, यहाँ से जैसे ही लाइट जाएगी, हमेशा लाइट हमारी कैसे जाती है, अगर दूर की होती है, पैलर, ठीक है, जैसे ही लाइट गई, ये लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज करेगा। सबसे पहले लाइट कहाँ पड़ेगी, कॉर्निया पे ही पड़ेगी, कॉर्निया पे पड़ने के बाद लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेस जो है, ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्निया पे आएगी लाइट, लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, इसीलिए इसका जो शेप है वो कैसी है, कर्व शेप है। ठीक है, क्लियर हुई, इसकी भी क्या है, मोर रिफ्रेक्टिव पावर देन लेंस, उसके बाद ही तो ये पहले ये यहाँ पे कॉर्निया में गया, ठीक है, कॉर्निया के बाद प्यूपिल में जाएगा, प्यूपिल के बाद जाएगा लेंस में, तो ये क्या है, इसकी पावर जो है, रिफ्रेक्टिव पावर जो है, रिफ्लेक्शन की पावर इसकी ज़्यादा होती है लेंस से।
क्यों है? क्योंकि ये कन्वर्ज पहले कॉर्निया में हो रहा है, फिर लेंस में हो रहा है, तो इसकी पावर क्या है? ज्यादा है लेंस के मुकाबले। तो क्लियर क्लियर यही है, जो कॉर्निया है वो हमारा आउटर पार्ट है, 1/6 वाला पार्ट जो आउटर लेयर का है वो कॉर्निया है। कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है। इसका जो कलर हमें दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है? आयरिस की वजह से दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका जो कर्व स्ट्रक्चर है, जो कर्व शेप में है, वो क्यों है? जिससे कि जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज हो सके, उसकी रिफ्लेक्शन पहुंच सके, ठीक। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं कोरोइड। ये क्या है? हमारा मिडल पार्ट। अभी हमने पढ़ा था जो हमारी आउटर लेयर थी, आउटर लेयर में हमारे दो पार्ट थे, स्केलरा और कॉर्निया, हमने दोनों पढ़ लिए। अब आ जाते हैं हम मिडल लेयर पे। मिडल लेयर का फर्स्ट पार्ट है हमारा कोरोइड, ठीक है। ये आ गई हमारी स्केलरा, स्केलरा आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट हुई कॉर्निया। क्लियर? आगे वाला पार्ट जो बल्गिंग पार्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ये बीच वाली रेड वाली जो लेयर है, ये क्या है? हमारी कोरोइड, जो रेड कलर की हमें दिख रही है, रेड कलर की दिख रही है। क्यों रेड कलर की दिख रही है? क्योंकि ये वैस्कुलर है। वैस्कुलर क्यों है? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ये न्यूट्रिशन का काम करती है। बाकी लेयर जो लेयर हैं दोनों, वो कैसी हैं? अवैस्कुलर, जिनमें कि ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? मिडिल लेयर है, जो हमारी आई बॉल है उसकी मिडिल लेयर है, हाईली वैस्कुलर है। इसमें क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या करती है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्केलरा, जो इसकी आउटर लेयर है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, एंड सुपरफिशियल रेटिना, जो रेटिना है इसकी जो इनर, एक तो ये हो गई स्केलरा आउटर मोस्ट, फिर कोरोइड और फिर ये इनर मोस्ट। तो इन दोनों को क्या करती है? सप्लाई या फिर न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करती है? कोरोइड करती है। कोरोइड क्यों करती है? क्योंकि वो वेस्कुलर है, उसमें ब्लड सप्लाई पाई जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डार्क ब्राउन इन कलर ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इसका डार्क ब्राउन कलर क्यों होता है? ये जो लेयर है वो डार्क ब्राउन कलर की क्यों होती है? क्योंकि पिगमेंट के कारण। जैसे कि हमारा ब्लड है, रेड क्यों होता है भाई? उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं ना, इसीलिए हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। ऐसे ही जो ये लेयर है, इसमें मेलानिन जो पिगमेंट है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से ये डार्क कलर होता है। अब मेलानिन क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट रेस को, ठीक है। जैसे ही लाइट रेस आई, उनको एब्जॉर्ब करता है एंड प्रिवेंट ग्लेयर, और चकाचौंध से बचाता है, ठीक है। एकदम से हमारी आंख में एकदम चकाचौंध सी जो आती है, तो आपने देखा होगा कहीं, उससे हमारी आंख क्या हो जाती है? एकदम से बंद हो जाती है, ठीक है। बंद होने का रीज़न यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। कौन सी लेयर? कोरोइड लेयर, ठीक। अब कोरोइड के बाद क्या होता है? ये कोरोइड लेयर है हमारी, ठीक है। ये वाली आ गई हमारी बीच वाली जो मिडिल है, ये क्या है? कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर ही आगे जाके किस में हो रही है? ये सिलेरी बॉडी में हो रही है, ठीक है। देखिए, ये हमारी बीच वाली कोरोइड लेयर आ रही थी, ये किस में चेंज हुई? सिलेरी बॉडी में। ये क्या है? सिलेरी बॉडी, ये रही, ठीक है। सिलेरी बॉडी क्या है? जिससे सिलेरी बॉडी ये है, इससे आगे ये क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, जिससे कि लेंस क्या है? अटैच है। इन पे ही लेंस जाके क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। तो ये वाला पोर्शन हमारा जो कोरोइड वाला है, मिडिल वाले से ही आगे बढ़ा है। तो मिडिल लेयर ऑफ द आई बॉल, सिलेरी बॉडी भी क्या है? मिडिल लेयर ही है आई बॉल की, क्योंकि ये किससे निकल रही है? कोरोइड से निकल रही है। एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ कोरोइड, आप समझिए, ठीक है। ये है हमारी, ये आई बॉल, आई बॉल का आगे वाला पार्ट क्या कहला रहा है? कॉर्निया। ये क्या कहला रहा है? स्केलरा, ठीक है। ये क्या कहला रहा है? कॉर्निया। अब इसमें दूसरी लेयर आ गई हमारी कोरोइड, ठीक है। कोरोइड से थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं ये, ठीक है। इस तरीके से ये निकल रही है, ये क्या है? सिलेरी बॉडी। ये क्या निकल रही है? सिलेरी बॉडी। अब इससे क्या निकल रही है हमारी? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या निकल रहे हैं? ये वाले हमारे
सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इसमें क्या है लेंस अटैच है, यहाँ पर इन सस्पेंसरी लिगामेंट से क्या अटैच है हमारा लेंस अटैच है, तो वही बोल रहा है एंटीरियर कंटिन्यूएशन आगे की तरफ कंटिन्यू किसके साथ कोरोइड लेयर, ठीक है ये हमारी मिडिल वाली कौन सी थी कोरोइड लेयर है, कोरोइड लेयर से क्या है कंसिस्ट ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, कौन सी लिगामेंट्स है ये वाली सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है क्या पाई जा रही है ये वाली जो हमारी ये है धागे नुमा संरचना है ये क्या है हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये क्या कर रही है अटैच लेंस टू सिलेरी बॉडी, लेंस को किससे अटैच कर रही है ये हमारा लेंस है, ठीक है ये किससे अटैच कर रही है सिलेरी बॉडी से, ये हमारी क्या है सिलेरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये लेंस है ये सिलेरी बॉडी है, इनको क्या कर रही है अटैच कर रही है जोड़ रही है, ठीक अब क्या हो रहा है कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सिलेरी मसल्स, जैसे ही ये जो सिलेरी मसल्स हैं या सिलेरी बॉडी हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, इसके बेस पे ही जो हमारा लेंस है उसका साइज छोटा बड़ा होता है, ठीक है तो वो हर चीज़ की कुछ ना कुछ फंक्शन है ना, किसी ना किसी के लिए तो है ही वो, तो ऐसे ही कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सिलेरी मसल्स कंट्रोल साइज एंड थिकनेस ऑफ लेंस, जो लेंस का साइज है या थिकनेस है कि मोटा होना है पतला होना है साइज छोटा होना है बड़ा होना है वो किस पे डिपेंड करता है जो हमारी सिलेरी बॉडी है या सिलेरी मसल्स हैं उन पे डिपेंड करता है, वही लेंस को छोटा बड़ा करने का काम करती हैं, और क्या करती हैं सीक्रेट एक्वस फ्लूड एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, अच्छा अब ये जो है ये वाला पार्ट है ठीक है, अब हमारी आई जो है उसमें दो फ्लूड्स पाए जाते हैं, एक तो पोस्टीरियर में कौन सा पाया जाता है विट्रस फ्लूड, और जो हमारा एंटीरियर वाला पार्ट है उसमें हमारा पाया जाता है एक्वस ह्यूमर, दो फ्लूड्स पाए जाते हैं एक जो पोस्टीरियर वाला है उसमें विट्रस फ्लूड पाया जाता है और जो आगे वाला है वो एक्वस फ्लूड पाया जाता है, तो जो एक्वस फ्लूड को सीक्रेट करता है वो सिलेरी बॉडी करती है, सिलेरी बॉडी में प्रोसेस पाए जाते हैं जिसमें से एक्वस ह्यूमर जो है वो सीक्रेट होता है, ठीक नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखिए इसमें अगर आपको पीछे क्लियर नहीं हो रहा हो तो इसमें देखिए ये हमारी कोरोइड लेयर आई, कोरोइड लेयर किस में चेंज हुई हमारी ठीक है किस में चेंज हुई ये सिलेरी बॉडी है, ठीक सिलेरी बॉडी से आगे क्या निकल रही है ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इससे क्या अटैच हो रहा है लेंस, ये लेंस को जो सिलेरी बॉडी है ये लेंस के साइज को छोटा बड़ा करती हैं, जैसे ही लाइट आती है लाइट अगर ब्राइट आ रही है तो ये क्या करती हैं लेंस को छोटा कर देती हैं, ठीक है इस तरीके से मतलब साइज लेंस का जो है वो छोटा बड़ा करने में कौन हेल्प करता है सिलेरी बॉडी करती हैं। अब आ जाते हैं आइरिस, ठीक है आइरिस भी नेक्स्ट उसी का ही पार्ट है, ठीक तो सबसे पहले ये कोरोइड किस में चेंज हुई सिलेरी बॉडी में आगे की तरफ बढ़ी, ठीक है उससे क्या हुआ सस्पेंसरी लिगामेंट से क्या हुआ अटैच हुए लेंस अटैच हुए, अब यही कोरोइड जो लेयर है वो आगे जाके किस में हुई है आइरिस में, ठीक है आइरिस क्या है एक सर्कुलर है इस तरीके से ये है, ठीक है इसके अंदर ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ब्लैक स्पॉट जो है वो क्या है प्यूपिल, इसके अंदर वाला पार्ट क्या है प्यूपिल, और ये जो गोल वाला है ये जो हमें दिख रहा है ठीक है जिसकी वजह से हमें कलर दिखाई देता है ये वाला पार्ट क्या है हमारा आइरिस, अपनी आंखों में देखो ये जो गोल है एक तो वाइट वाला पार्ट है वो वाइट वाला पार्ट क्या है हमारा स्कैलरा, ठीक है ये वाला पार्ट इसमें देखिए ये वाला वाइट वाला पार्ट क्या है हमारा स्कैलरा है, ठीक है अब ये जो सर्कल है ये क्या है हमारी आइरिस, ठीक है और ये जो गोल ब्लैक कलर का स्पॉट है ठीक है ये क्या है हमारा प्यूपिल, क्लियर हुआ आइरिस की वजह से ही हमें क्या दिख रहा है कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक तो वही सेम चीज है, अब आइरिस के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले मिडिल लेयर ऑफ द आई बॉल, आई बॉल की मिडिल लेयर ही है क्योंकि मिडिल लेयर से ही आगे बढ़ी है वो, इसलिए कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, कैसा है कलर्ड, किसी का ब्राउन किसी का ब्लैक किसी का ब्लू, ठीक है तो कलर्ड स्ट्रक्चर है,
कलर ऑफ आई जो हमारी आंख का कलर है, या कलर ऑफ कॉर्निया जो कॉर्निया का कलर हमें दिखता है, होता नहीं है। कॉर्निया कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट, लेकिन हमें वो कलरफुल दिखती है। वो किसकी वजह से होता है? इज ड्यू टू कलर ऑफ आयरिस। आयरिस की कलर की वजह से ही हमें आंखों का कलर दिखता है, और ऐसा लगता है कि कॉर्निया का कलर है, पर वो कॉर्निया का कलर नहीं होता। किसका होता है? आयरिस का कलर। ठीक, आयरिस कलर इज जेनेटिकली डिसाइडेड। ऐसा नहीं होता कि भाई सब जने जानते हैं कि भाई किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन, किसी में ब्लू। तो ये जो कलर है वो जेनेटिकली डिसाइडेड था, हमारे मदर फादर्स के जीन्स से ही हमें आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमने चेंज कर सकते हैं या फिर, ठीक है, तो वो चेंज नहीं कर सकते, वो जेनेटिकली डिसाइडेड है पहले से ही। और ये जो कलर ऑफ आई डिपेंड अपॉन पिगमेंट, किस पर डिपेंड करता है? पिगमेंट पे, कि हमारे अंदर ज़्यादा पिगमेंट है तो हमारा जो ब्राउन है, ब्लैक है, उस तरीके से हो जाता है। अगर कम पिगमेंट है तो ब्लू, ठीक है, इस तरीके से हमें कलर दिखाई देते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और बोल रहा है, एंगल बिटवीन आयरिस एंड कॉर्निया इज 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला आयरिस और कॉर्निया के बीच में, ये कॉर्निया, ये आयरिस, इसके बीच में ये जो एंगल है ये क्या है? 45 डिग्री का एंगल है। इसके अंदर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। यहाँ पे दिखाया होगा, ये क्या है? एक्वस ह्यूमर क्या है? फ्लूड है। ठीक है, तो ये फ्लूड जब एक्स्ट्रा हो जाता है, इसको ड्रेन होने का, ड्रेन जब होता है वो यहीं से होता है। अगर ये एंगल कम हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फ्लूड नहीं निकल पाएगा और ग्लूकोमा की कंडीशन हो जाती है, ना डिजीज कंडीशन हो जाती है। तो इसीलिए बताया है कि एंगल बिटवीन आयरिस एंड कॉर्निया, आयरिस और कॉर्निया के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का होता है। ये वही साइट है, दिस इज द साइट फॉर एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज, जहाँ से जो एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेनेज होता है, निकलता है। आयरिस पढ़ लिया हमने, ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्यूपल। आयरिस के अंदर जो प्यूपल है ये क्या है? हमारा सर्कुलर पार्ट, ये हमारी आयरिस, और इसके अंदर जो ब्लैक वाला पार्ट है ये है हमारा प्यूपल। ठीक है, तो प्यूपल के बारे में पढ़ते हैं, क्या सेंट्रल ओपनिंग इन आयरिस इज प्यूपल। आयरिस के अंदर की बीच में जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्यूपल। ये हमेशा कैसे होता है? ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का होता है किसी में भी, उसके आँख का कलर चाहे कुछ भी हो, पर ये जो स्पॉट है वो ब्लैक कलर का होगा। क्यों होता है? टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आइज, हमारी आँख में कितनी लाइट जानी है, ठीक है, उसके अमाउंट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? प्यूपल करता है। तो देखिए आयरिस में क्या कह रहा है, जैसे ही ब्राइट लाइट आती है तो ब्राइट लाइट में क्या होगा, उसको सब कुछ दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो डिम लाइट में देखेंगे तो डिम लाइट में हमारी आंख पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो वो प्यूपिल को क्या कर लेगा? बड़ा कर लेगा अपने हिसाब से, लाइट के अकॉर्डिंग वो अपने प्यूपिल को क्या कर देता है? छोटा बड़ा कर देता है, जिससे कि हमारी आंख में कितनी लाइट जानी है उसको रेगुलेट कर सके। ठीक, तो ये काम होता है प्यूपिल का। अब प्यूपिल की जो मसल्स हैं वो दो तरह की मसल्स होती हैं भाई, ये छोटा बड़ा हो रहा है, इसमें छोटा हो रहा है, उसमें बड़ा हो रहा है। जब हमारे एकदम से आँख पे लाइट एकदम तेज पड़ती है तो वो क्या है? छोटा हो रहा है, और जब डिम लाइट में हम देखते हैं कि भाई दिखे सही से दिखे, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो इसका जो साइज़ है छोटा और बड़ा, वो कोई तो मैनेज कर रहा होगा, तो कौन सी मसल्स हैं? वो क्या करती हैं? मसल्स उसके साइज़ को छोटा बड़ा करती हैं। अब उन मसल्स का क्या नाम है? एक है सर्कुलर मसल्स, एक है रेडियल मसल्स। ठीक है, सर्कुलर मसल्स क्या करती हैं? प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती हैं, मतलब छोटा करने का काम करती हैं। और जो रेडियल मसल्स हैं वो प्यूपल को डायलेट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही है ये वाली मसल्स, अगर सर्कुलर हैं तो वो क्या करेंगी? प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, छोटा करने का काम करेंगी। और ये जो रेडियल मसल्स होती हैं इस तरीके से, ये क्या करती हैं? पीपल को डायलेट करने का काम करती हैं। अब इसमें देखिए, जो हमारा ये बीच वाला सर्कल वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है? आयरिस। आयरिस के अंदर क्या है? ओपनिंग। ये क्या है हमारा?
प्यूपिल, ठीक। अब ये प्यूपिल में जितनी जैसी लाइट जाती है वो उस तरीके से किसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर हमारी आँख में एकदम से ब्राइट लाइट आ रही है, ठीक है, तो वो हमारी पिपल को छोटा कर देता है, जिससे कि हमारी लाइट जो आँख में है वो ज़्यादा लाइट ना जाए, जिससे कि कोई खराबी ना आए या दिक्कत ना आए, ठीक है। तो वो अपने पिपल को क्या कर लेता है, छोटा कर लेता है, ठीक। अब जैसे ही अब हम डिम लाइट में है, ठीक है, डिम लाइट में हमें अंधेरा है, तो वो पिपल को क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है, जिससे कि ज़्यादा लाइट हमारे पिपल के अंदर जा सके और हमारी इमेज सही दिख सके, हमें सही से दिख सके। तो पीपल का आपको काम समझ में आया, ठीक है। अभी मैं आपको रफली समझा देती हूँ पूरा क्या किया हमने। सबसे पहले ये हमारा, ये हमारी क्या है, आई बॉल है, ठीक है। आई बॉल का ये बल्जिंग पार्ट है, इसको हमने क्या बोल दिया, कॉर्निया। और इस वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, स्कैलरा, ठीक। ये हमारा स्कैलरा हो गया, ये हमारा कॉर्निया हो गया, ये दोनों हो गई हमारी आउटर लेयर। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारी कोरोइड लेयर, जो मिडिल वाली लेयर थी, जो वेस्कुलर लेयर थी, जो ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम कर रही थी। ये आगे जाके किस में हो जाती है, सिलेरी बॉडी में, ठीक है। किस में हो जाती है, सिलेरी बॉडी में। सिलेरी बॉडी से क्या निकलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकलते हैं, जिससे लेंस अटैच होता है, ठीक है भाई, लेंस भी अटैच हो गया। अब यही कोरोइड लेयर आगे जाके किस में चेंज हो जाती है, आयरिस में चेंज हो जाती है। आयरिस एक ऐसा है, मान लो ये दीवार है, हम यहाँ खड़े हैं और हमारे ऊपर से भी दीवार आए, नीचे से भी दीवार आए, साइड से भी और इधर से भी, और बीच में एक होल छोड़ दे, ठीक है, चारों तरफ से दीवार आ रही है। तो ऐसा ही इसमें हो रहा है, ये जो आयरिस है ये चारों तरफ से आ रही है, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं तो हमें ऐसे लग रहा है कि इधर से, लेकिन ये पूरा क्या है, ये सर्कल है, ठीक, ऊपर से भी नीचे से भी इधर से भी इधर से भी, बीच में ओपनिंग है। उस ओपनिंग को, ये जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्यूपिल। ये वाला पार्ट क्या है हमारा, प्यूपिल। और ये जो आ रही है ये क्या है, आयरिस। ये वाला पार्ट क्या है हमारा, प्यूपिल। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट वाला पार्ट बच जाता है, रेटाइना। रेटाइना बोल लो, रेटिना बोल लो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो आपको ठीक लगे वो बोलो। रेटिना क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वहीं पे इमेज बनती है। इतना पार्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं रेटाइना या फिर रेटिना। रेटिना क्या है, इनर मोस्ट लेयर है आई बॉल की, सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, रेटिना। रेटिना इज एवेस्कुलर, ये भी कैसी है, एवेस्कुलर है, मतलब जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती। तो इसको ब्लड सप्लाई कौन देता है, कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर किस किस को ब्लड सप्लाई देता है, एक तो स्कैलरा को और रेटिना को, दोनों को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करता है, कोरोइड लेयर। इट इज अ सेंसिटिव लेयर, ये बहुत सेंसिटिव लेयर है, ठीक है। तो हमारी इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है, रेटिना, ठीक है। रेटिना में ही क्या पाए जाते हैं, कॉन्स और रेड सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से, कॉन्स की वजह से हमें कलरफुल कलर दिखते हैं, और रोड जो सेल्स हैं उनकी वजह से हमें ऐसे वाइट एंड ब्लैक कलर्स दिखते हैं, ठीक। तो आपको देखिए इस तरीके से आपको इमेज भी दिखाई जा रही है, जो ये कॉन्स सेल्स हैं उसकी वजह से हमें कौन से कलर दिख रहे हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, इनकी वजह से दिख रहे हैं। जो रॉड सेल्स हैं उनकी वजह से हमें वाइट और ब्लैक सेल्स दिख रही हैं, ठीक है। अब इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि जो रॉड सेल्स हैं उनकी वजह से हमें कैसे डिम लाइट्स में देख सकते हैं हम, ठीक है, और जो कौन सेल्स हैं उसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं, ब्राइट लाइट देख सकते हैं, कलरफुल देख सकते हैं, रेड, ग्रीन, ये सारे कलर्स हम देख सकते हैं। रॉड जो सेल्स हैं वो 120 मिलियंस पाई जाती हैं, किसमें, रेटिना में, और जो कॉन सेल्स हैं वो 6 मिलियन पाई जाती हैं, मतलब 6 कम है ना, इससे तो कम है, ठीक। अब क्या है, जो पोस्ट रेटिना क्या है, हमारी इनर मोस्ट लेयर है, बहुत सेंसिटिव लेयर है, यहीं पे इमेज जाके बनती है, ठीक है। यहाँ से मान लो कोई भी इमेज है वो गई, ठीक है, लेंस में क्या हुई, कॉर्निया में जाके कन्वर्ज हुई, लेंस में जाके कन्वर्ज हुई, और कहाँ जाके बन गई, हमारे रेटिना पे,
रेटिना में क्या होते हैं हमारे रोड्स और कॉर्न सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो कलरफुल चीजें हैं वो दिखती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जो पोस्टीरियर पोल है, पीछे वाला जो रेटिना का पोल है उसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट या फिर ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ये ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट या फिर ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना ही कोई कॉर्न सेल्स पाई जाती है ना ही रोड सेल्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कोई इमेज भी नहीं बनती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। वहाँ पे कोई भी इमेज बनती नहीं है, ना रोड सेल्स है ना कॉर्न सेल्स है, तो कहाँ से बनेगी, तो ब्लाइंड स्पॉट बोल दिया उसको, ठीक है। अब एक पार्ट और है हमारा मैकुला लूटिया, देखिए ये वाला, ये सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग ये वाली दिख रही है आपको, ये क्या है, रेटिना, ठीक है, रेटिना के पास में ये वाला स्पॉट है, ठीक है, क्या ये मैकुला लूटिया, इसी को हम येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। इसके साइड में ये क्या है, ऑप्टिक डिस्क, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना रोड सेल्स है ना ही कॉर्न सेल्स है, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है। इसके बिल्कुल क्या है, लेटरल साइड में क्या है, मैकुला लूटिया है, इसी को हम येलो स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक। देखिए मैकुला लूटिया या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल वो येलो स्पॉट कहाँ होता है, लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में होता है। इसमें क्या पाई जाती हैं, कॉर्न सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, तो इसकी क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियर इमेज, इस पर अच्छी इमेज आती है, क्लियर इमेज आती है, ठीक है। पढ़ा रेटाइना में, रेटाइना क्या है, सेंसिटिव पार्ट से, इसमें रोड्स और कॉर्न सेल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कलरफुल और वाइट एंड ब्लैक कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती, क्योंकि वहाँ पे रोड्स और कॉर्न सेल्स नहीं पाए जाते। येलो स्पॉट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकुला लूटिया, वहाँ पर क्लियर इमेज दिखती है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कॉर्न सेल्स पाए जाते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं कि भाई ये जो हमारी पूरी आई बॉल है, इसके अंदर दो टाइप के फ्लूट्स पाए जाते हैं, ठीक है, दो टाइप के फ्लूट्स पाए जाते हैं। एक तो हो गया ये जो लेंस है हमारा, ठीक है, लेंस से लेके रेटिना के बीच में ये सब क्या है, ये इसमें सब में क्या है, फ्लूड भरा हुआ है, ठीक है, कौन सा है, विट्रस फ्लूड, फिल्ड विद विट्रस ह्यूमर, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसमें पूरे में फ्लूड भरा होता है, उस फ्लूड को हम क्या बोल रहे हैं, विट्रस ह्यूमर। क्यों है, क्या काम है उस फ्लूड का, ये फ्लूड रेटिना को पुश करता है पीछे की तरफ, कोरोइड से चिपके रहे उसको पुश करता रहता है, ठीक है। अब ऐसे ही जब पीछे की तरफ है तो आगे की तरफ भी, जो ये एंटीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर चैम्बर है, ये किससे भरा रहता है, एक्वस ह्यूमर से। इसके सेगमेंट, सेगमेंट का क्या मतलब है, दो सेगमेंट्स हैं, एक एंटीरियर सेगमेंट, एक है पोस्टीरियर सेगमेंट। तो जो एंटीरियर सेगमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, कॉर्निया से लेंस तक, ये वाला हमारा क्या है, एंटीरियर सेगमेंट, और लेंस से रेटिना तक क्या है हमारा, पोस्टीरियर सेगमेंट, समझ। ये हमारा एंटीरियर सेगमेंट किस किस के बीच में है, कॉर्निया एंड लेंस, क्या है, कॉर्निया, और ये क्या है, लेंस, यहाँ तक क्या है हमारा, एंटीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर सेगमेंट कहाँ है, लेंस से रेटिना तक, ठीक है, लेंस से कहाँ तक, रेटिना तक। अब इसमें फ्लूड पाए जाते हैं अलग अलग, दो ही फ्लूड पाए जा रहे हैं, तो जो एंटीरियर वाला पार्ट है उसमें कौन सा है, एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है। इस वाले पार्ट में, ये जो पूरा पार्ट है हमारा कॉर्निया से लेके लेंस तक का, इसमें क्या पाया जा रहा है, एक्वस ह्यूमर, क्लियर है। और जो हमारा पोस्टीरियर है उसमें क्या जा रहा है, विट्रस ह्यूमर। जो हमारा पोस्टीरियर है लेंस से लेके रेटिना तक, उसमें क्या पाया जा रहा है, विट्रस ह्यूमर। क्या फंक्शन है ये, इसको रेटिना को पुश करता रहता है जिससे कि ये कोरोइड लेयर से चुपकी रहे, क्लियर। अब आ जाते हैं एंटीरियर सेगमेंट में, एंटीरियर सेगमेंट में भी हमारे दो चैम्बर होते हैं, एक होता है एंटीरियर चैम्बर, एक होता है पोस्टीरियर चैम्बर। जो एंटीरियर चैम्बर है वो कहाँ से कहाँ तक है, कॉर्निया से आयरिस तक,
ये हमारा एंटीरियर चैम्बर और आयरिस से लेंस तक, ये हमारा पोस्टीरियर चैम्बर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये आई बॉल है, आई बॉल के दो हिस्से, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, क्लियर। अब जो एंटीरियर वाला पार्ट है उसके दो हिस्से हैं, ठीक है। तो जो एंटीरियर वाला सेगमेंट है उसमें दो हैं, एक तो एंटीरियर चैम्बर, एक है पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। तो एंटीरियर चैम्बर कहाँ से है? कॉर्निया से प्यूपल तक। कॉर्निया, ये कॉर्निया है, इसके बीच में क्या है? प्यूपल, यहां तक। वो कौन सा है? एंटीरियर चैम्बर। तो पोस्टीरियर चैम्बर जो है वो प्यूपल से कहां तक है? लेंस तक, ठीक है। तो ये क्या है? दो फ्लूइड्स हैं जो अलग अलग चैम्बर्स में पाए जाते हैं। इस वीडियो में हमने पूरा आई बॉल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करा है, आई बॉल के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे हैंडल्स हैं, जैसे कि आप और जगह से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब शॉर्ट से मुझे फॉलो करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।